झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादान है वो क्या जाने, कब कली खिली बहार की। पानी भरिया भजन कर जैसे चढ़ती जवानी भजन कर जैसे, झूठा धाधू का वचन जो जो होना है तब तब सो सो होता है। हम तो छत पे गए हैं सकरो दाम में गए हैं रे भैया, यही बस में गए हैं। वादा तुम्हारा हो तो बैठे रहेंगे हम, ताबूत में भी सांस को रोके रहेंगे हम। आप रूठे हुए और हम अनमने, बात कैसे बने, बात कैसे बने, बात कैसे बने, बात कैसे बने। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। दोई दिलों को हाँ, दोई दिलों को ऐसे मिला लो जैसे रंग में पानी रे, पार करो रे जिंदगानी रे। सूरज की रोशनी तू चंदा की चांदनी, चांदनी ये रुत है हसी, दर्द भी है जवा, हर जाई नहीं हम ना तुम पे। माता के गुणगान सारे तीर्थ है माँ के चरण में, माता के गुणगान झुकाओ रे, चलो भूल जाए जहां को यहां तो घड़ी, बीते हुए पल नहीं लौटते फिर कभी। हाथों पे लिख दे मेरा नाम होठों से तू, मौसम आएगा जाएगा प्यार सदा मुस्काएगा, बाहों में तेरी मेरे सजना सच हो जाएगा सपना, बाहों में तेरी मेरे सजना सच हो जाएगा सपना। दोस्तों मैं मनवानी फिल्म्स की तरफ से सुबोध नंदिनी, पेश है हमारा कार्यक्रम जिसमें हम थल भाई जी से उनके कुछ सुनहरे पलों के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं अशोक मनवानी जी। हम विठल भाई जी से पूछना चाहेंगे कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत हुई। अचानक मैं तो सोचा भी नहीं था मैं कभी फिल्मी गीतकार बनूंगा। शैलन जी मेरे फ्रेंड फिलोसफर ओकुम थे, शैलन जी राज कपूर के राइटर थे। शैलन जी ने बीना में किसी कसम की शूटिंग की, बीना जब वो पहुँचे तो फोन आया, विठल भाई बीना आ जाओ, राज कपूर आ गए। मैं शाम को शराब
चूड़ा आदि लेके गया। रात के पूरे शौक में ठहरे थे, उनका साहब ये आपके लिए। बोले विट्ठल भाई शराब तो हम अपनी पीते, ये आप वापस ले गए। मैं कहा मैं ले जाऊँ, मैं तो पीता नहीं हूँ, तो क्या होगा। बोले हम तो नहीं पिए। फिर बोले हमें शैलेंद्र जी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मैं सब कुछ बोले हाँ, ये भी बताया कि तुम बहुत अच्छी कविताएँ लिखते हो। जी नहीं, मैं कविताएँ बोले झूठ मत बोलो, और इस तरह हमारी और राज कपूर दोस्ती हो। तीन चार महीने बाद जब मैं दिल्ली में था, राज कपूर भी ओबराय में था, बोले विट्ठल भाई अपनी डायरी का मैं डायरी ले ओबराय गया। वहाँ मैंने देखा कि राज कपूर और टी पी झुंझुनवाला इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनका पूरा परिवार बैठा था। राज कपूर ने इंट्रोड्यूस किया, ये विट्ठल भाई है, ये झुंझुनवाला है। बोले सुनाओ कविता। मैंने कविता सुनाई है, बोले बहुत अच्छी। जॉर्ज जॉर्ज का नौकर था, और एक ही कविता पर अटक गए। मालूम नहीं उस कविता में क्या था, शायद मुझे लगता है उस कविता में कहीं उनको नरगिस छुपी। सुबह बोले पाँच बजे पर बचे बैठा भाई, कहाँ चलो, कहाँ बोले चलो तो पूछते नहीं है। वो बजे चांदनी चौक के गुरुद्वारे में ले गए। जी गुरुद्वारे में बोले माथा टेको। मैंने माथा टेक बाहर आए तो राजपूर्ण एक रुपये निकाला, मेरे हाथ में लिख दिया, विट्ठल भाई तुम मेरी अगली फिल्म के राइटर। अनुबंध हो गया। मतलब सब मैं बिजनेस क्लास से हूँ, धार्मिक परिवार, शायद मुझे मेरे घर वाले गीतकार की परमिशन ना दें। बोले कोई बात नहीं, तुम अपनी मदर से पूछ लो, वो हाँ कहे तो हम भी आ जाओ। छः घंटे तक मचे के सामने हम बैठे रहे। बंदे बोले फिल्म अच्छी नहीं होती, फिल्म वाले अच्छे नहीं होते, बेटा अपन को नहीं जाना। फिर छः घंटे बाद मेरे बड़े भाई ने बीच में नाव करके आए, और मुझे परमिशन दी, मैं बॉम्बे गए और ईश्वर जी के पास गीत गा। उसके आगे की विकास यात्रा से तो आपके सभी चाहने वाले काफ़ी परिचित हैं, पर वो पहला गीत था जो एक लोक रचना से प्रेरित होकर आपने लिखा, और HMV के रिकॉर्ड्स इतने बिके कि उस बिक्री का रिकॉर्ड टूट गया, और आपको उसके लिए बहुत सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया, और लोगों ने दिल से आपकी सराहना की, झूठ बोले कौवा काटे, जिससे एक पहचान आपकी पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य, जो मनोरंजन जगत का परिदृश्य है, उसमें आपकी अलग पहचान उभर के आ गई, और सागर मध्य प्रदेश की भी पहचान उससे उभर के आ गई। तो पहली बार जब आपने वो फिल्म में गीतकार की हैसियत से आपने हिस्सेदारी की और शामिल हुए, उसके बाद फिर आपका राज कपूर जी से संबंध और आपके संपर्क और प्रगाढ़ होते गए, उसके बारे में बताएं। उसके बाद मैंने उनकी दो फिल्म और जी हाँ सत्यम शिवम सुंदरम और एक एक राम दोनों फिल्म में। जब मैं बॉबी में लिख रहा था जी, तब लक्ष्मी प्यारे टॉप पर थे जी, और उनके राइटर थे आनंद बख्शी। एक दिन आनंद बख्शी ने लक्ष्मी प्यारे से कहा, ये विट्ठल भाई कहाँ से आ रहे, हम तो नहीं देखेंगे। राज कपूर राज कपूर था। मुकेश जी जाओ उन बाजे वालों से कह दो विट्ठल भाई नहीं तो लक्ष्मी प्यारे नहीं, बॉबी